मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पुन्नी मेला में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने खारोद नदी के महादेव घाट पर स्नान करके आरती की और दीपदान किया। सुबह 5:15 बजे स्नान करने के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को पूर्णिमा की बधाई दी। इस अवसर पर देश भर में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं और जगह जगह मेला लगता है। अरे बाप मेरी के धार महानदी है अपार, अरे बाप मेरी के धार महानदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त साथ है और मुख्यमंत्री ने अभी पुन्नी स्नान किया है, कैसा महसूस किया? बड़े लंबे समय बाद नदी में आपने स्नान किया होगा। कार्तिक पूर्णिमा का अलग महत्व है और गांव में तालाब में 15 दिन तक के सूर्योदय पहले स्नान किया जाता है, आज के दिन दीपदान किया जाता है तो, और ये पहला मेला है हमारे छत्तीसगढ़ का महादेव घाट का मेला, तो हमारी ये संस्कृति। आपने नदी में इस तरीके से स्नान किया, कोई जहन में कोई याद है ताज़ा? अभी हमारे कंटक गए थे तो पिछले दिनों स्नान किए थे नर्मदा जी में। नर्मदा गए थे आपने स्नान किया था। कार्तिक पूर्णिमा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री होकर आप नदी में गए, किस तरीके से संदेश प्रदेश की जनता को देना चाहिए? ये हमारी परंपरा संस्कृति है, इसको खासकर जो नौजवान हैं उसे सुबह उठने और उसके बाद स्नान करना सूर्योदय के पहले, ये धार्मिक रूप से तो है ही, लेकिन यदि शरीर के हिसाब से कहें तो वही बहुत अच्छा है। वर्जीज भी हुआ सुबह सुबह। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज महादेव घाट पहुंचे थे, पुन्नी मेला का स्नान किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब महादेव घाट के इस परिसर में पहुंचे हैं और महादेव के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर आए हैं। और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दर्शक लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से भूपेश बघेल